हाय, मैं हूँ तुषाबा और आप देख रहे हैं फंडू कंटेंट। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, बिग बॉस 12 में श्रीशांत के जरिए इस हफ्ते नॉमिनेटेड थे पूरा का पूरा हैप्पी क्लब, यानी के सुरभि राणा, रोमिल चौधरी, दीपक ठाकुर और साथ में थी उनके सोमी खान भी। और इस बार वीकेंड के वार पर दिवाली के शुभ अवसर की वजह से कोई एलिमिनेट नहीं हुआ घर से। अब हम आपको बताते हैं आने वाले हफ्ते में नॉमिनेशन का टास्क किस तरह से होगा और होगा कौन घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट। इस बार नॉमिनेशन के टास्क में कैप्टन का कोई हाथ नहीं होगा, बल्कि आपसी सहमति से दो सदस्यों में से एक सदस्य को होना होगा नॉमिनेट। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बिग बॉस किस तरह से बनाते हैं घर वालों की जोड़ी और उनमें से कौन होता है नॉमिनेट और कौन होता है सेफ। पहली जोड़ी है दीपक ठाकुर और सोमी खान की, जिसमें से दीपक ठाकुर हो जाते हैं नॉमिनेट और हो जाती है सेफ सोमी खान। दूसरी जोड़ी है दीपिका कक्कर इब्राहिम और मेघा धाड़े की, उसमें से होती है दीपिका कक्कर इब्राहिम नॉमिनेट और सेफ हो जाती है मेघा धाड़े। तीसरी जोड़ी है श्रीशांत और सुरभि राणा की, इसमें से श्रीशांत हो जाएंगे नॉमिनेटेड और हो जाएंगी सेफ सुरभि राणा। चौथी जोड़ी है सृष्टि रोड़े और जसलीन मतारू की, पर दोनों ही कोई नतीजे पे पहुंच नहीं सके, इस वजह से इस हफ्ते दोनों ही घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड है। आखिरी पांचवी जोड़ी है शिवाशीष और रोहित सुचंदी की, और इन दोनों भी कोई भी नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं और हो जाते हैं दोनों घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड। तो इसी तरह से नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स है दीपिका कक्कर इब्राहिम, श्रीशांत, रोहित सुचंती, सृष्टि रोड़े, जसलीन मतारू, शिवाशीष मिश्रा और दीपक ठाकुर। अब आप लोग हमें ये बताइए कमेंट्स के जरिए कि कौन निकल सकता है इस हफ्ते घर से बाहर। बिग बॉस की ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए फंडू कंटेंट को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए।